Today we are here at Smart City Ludhiana to introduce you to one of the upcoming movie जिसका नाम है किल साफ स्कूटर वाले. तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनके प्रोड्यूसर और उनके डायरेक्टर से जिनका नाम है राजीव दास एंड राजीव परदेसी जी. तो चलिए उनसे शेयर करते हैं कुछ बातें. हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी. थैंक यू जी. सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. मेरा नाम राजीव दास है और मैं बेसिकली फ्रॉम न्यूजीलैंड से हूँ. वही 18 साल हो गए वहीं पर मुझे रहती हूँ न्यूजीलैंड में. एंड रिसेंटली आई जस्ट शिफ्टेड टू अमेरिका. नाउ यू आर इन अमेरिका. राइट नाउ इन अमेरिका. एंड आई एम फ्रॉम कमर्शियल्स. ऑल द बिग कंपनीज जो हैं कमर्शियल्स वो करती हैं उनके साथ. एंड व्हेन आई वाज इन इंडिया मैं यहाँ पे था आरडी फिल्म के नाम से था. एंड आई वाज इन अ दूरदर्शन पैनल पे था. बहुत अच्छा लगा, बहुत काम किया था. दूरदर्शन ही होता था, कोई और तो होता नहीं था. शॉर्ट मूवीज़ हैं, टेली फिल्म्स हैं. ये हमारे एक बहुत ही अच्छे सज्जन हमारे मित्र हैं जसवंत जी, फाइट मास्टर हैं. उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था परदेसी वीर जी से. तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दो. तो लास्ट ईयर आई वाज हियर तो मैंने उनको कॉन्सेप्ट दिया था, उनको अच्छा लगा. अब मैं स्पेशली उन्होंने मुझे बुलाया इसको डायरेक्ट करने के लिए. मैडम, एक्चुअली हम पंजाब से कोटकपुरा से हैं और मेरे फादर साहब 89 से इस फिल्म लाइन में हैं. तो उन्होंने काफ़ी पंजाबी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जैसे पटोला हो गई और धर्म जट दा पंजाबी फिल्में हैं काफ़ी. हिंदी भी सांसों की सरगम. फिल्म बनाना आपको मालूम है कि आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है. तो ये मूवी कब तक रिलीज़ होगी? मैडम, तो इसके सॉन्ग हो चुके हैं. तो सेकंड ये अभी शूट पे जाएगी तो उसके बाद रिलीजिंग का प्रोग्राम बनेगा. 2019 में आपको दिखा सकते हैं ये सब. तो जो आपकी जो पूरी टीम है, डायरेक्टर सर हैं या जो स्टार कास्ट है इस मूवी की, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका? जैसे अभी ये मूवी अंडर पाइपलाइन है, थोड़ा टाइम लगेगा रिलीज होने में. तो जो आप अभी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसा एक्सपीरियंस है सबका? बहुत अच्छा जी. इतने अच्छे लोग मिले हैं, डायरेक्टर साहब मिले हैं. अमरिंदर बॉबी जी इज़ अ बिग स्टार, आने वाले समय के बहुत बड़े स्टार हैं. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है. तो जैसे सर ने हमें बताया ये मूवी ड्रग्स को ज़्यादा रिलेट करती है. जो ड्रगिस्ट हैं आजकल पंजाब, वैसे ही टॉप मोस्ट लिस्ट पे है पूरे इंडिया में कि सबसे ज़्यादा ड्रग्स यहाँ पे लोग लेते हैं. सबसे ज़्यादा यूथ यहाँ की डेली बिल्कुल डेथ बेड पे पहुँच जाती है ड्रग्स लेके. तो आप इस बारे में कुछ कहिए. यंगस्टर जो हैं गलत चीज़ों में, गलत नशे में चले जाते हैं. तो उनको, उनके लिए एक मैसेज है कि हो सकता है ये फिल्म देखने के बाद कुछ उनको हो कि नशा नहीं करना चाहिए या कैसा भी है. तो आगे तो कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी.